सभापति जी महोदय, सदैव योगी जी द्वारा 193 के अंतर्गत जापानी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के संदर्भ में जो चर्चा यहां चल रहा है, मैं उसका समर्थन करते हुए आदरणीय सभापति महोदय ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से मुझे याद है, सन 2009 में जब हम लोग सांसद बन के आए थे, जब योगी जी ने इस मुद्दे को पहली बार उठाया था तो हमारे सभी साथी लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया था कि ये कौन सी बीमारी है। और पिछले 5 साल में कई बार इस मुद्दे को हम लोग उठा चुके हैं। सभापति महोदय, सन 2002 में जब मैं विधायक था उत्तर प्रदेश का, उस समय भी ये मामला हम लोग सदन में उठाए थे। सांसद बनने के बाद मुझे याद है तत्कालीन मंत्री आदरणीय श्री आजाद जी गोरखपुर गए हुए थे। हम लोगों के आग्रह से जब जब ही हल्ला उड़ा है इंसेफ्लाइटिस के बारे में, जब जब हम लोगों ने चर्चा किया है, तब तक मंत्री का एक समूह बढ़ता है और लोग मेडिकल कॉलेजों में जाकर जहां जहां ये बीमारी फैली हुई है वहां जाके लोग मिलते हैं। जब प्रेशर पड़ता है सभापति महोदय, तो मुझे लगता है कि 2-4 करोड़ रुपए दे के लोगों को शांत कर दिया जाता है, लेकिन आज तक कभी भी ठोस पहल इसका नहीं उठा। हमेशा चर्चा इस सदन के माध्यम से होता रहा है और जब सदस्य चर्चा करता है, लोगों की पीड़ा को बात को रखता है, सदन के बाद हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ स्थानीय सांसद तारीफ करते हुए कि तुमने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इस सदन के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले ये बिहार गए और ये पेशे से भी डॉक्टर हैं और दुर्भाग्य से मेडिकल कॉलेज के बगल में सभापति महोदय मेरा घर है और पिछले 10 वर्षों से इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने तो देखा है लोगों को मरते हुए, उनकी माओं को रोते हुए। जब किसी को इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, अगर जो मौत से बच जाता है तो अपंग हो जाता है, वो न वो चल सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है। सभापति महोदय, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, बिना कोई भूमिका के जब जब सरकारें बनी है, चाहे इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, उनके मुखिया भी गोरखपुर में जाके मेडिकल कॉलेज के लोगों को आश्वासन दिया, पूरी उत्तर प्रदेश को, जब जब चुनाव आता है इसका मुद्दा बनता है, लेकिन ठोस पहल आज तक कभी नहीं बन पाया। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, उन तमाम गरीबों की तरफ से बात करना चाहता हूं, उन तमाम माओ की तरफ से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अब राजनीति से ऊपर हटकर एक ऐसी व्यवस्था बने कि हम लोग जो पिछले कई वर्षों से इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे सदस्य जब हम लोग चर्चा करते हैं तो एसोसिएट करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, आप पेशे से डॉक्टर हैं, सम्मानीय हैं, कोई एक ऐसा व्यवस्था बनाइए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाइए जो वहीं पर जांच होकर वहीं पर इलाज चालू हो। इससे पहले भी योगी जी इस मुद्दे को उठाए हैं, संबंध करते हुए बहुत लंबी बात न करते हुए अध्यक्ष महोदय कि जल्द से जल्द इस विषय पर कोई ठोस निर्णय लें, ताकि जो बच्चे समय से पहले एक्सपायर कर जा रहे हैं उनके प्रति हम सब लोग सोचकर उनको नई जिंदगी देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।